Okay, so once again, what we have done, right, we created a new project, then in that new project, we created three components, home, login, and sign up. Then we created two more components again in the same module. One is admin layout and one is user layout. So these are the five components which are present in your app module. Then we created two modules. One is your admin module, second one is your user module. One is admin module, one is user module, right? Then inside admin module, what did we do? We created a component home, right? So by default, admin में जो दिखना चाहिए वो home page दिखेगा, right? फिर वो home page के लिए हमने admin में routes डाल दिए, right? That is what we have done. Same in the case of user layout, means in user module. So we created user module, inside that we created routes for again a home page, right? Now, inside your user module, ठीक है, तो एक यूज़र को आइडियली क्या क्या दिखना चाहिए? जैसे यूज़र लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद उसे क्या दिखेगा? एक होम पेज दिखेगा पहले. जनरली होम पेज पे क्या होंगे? स्टैटिस्टिक्स टाइप का चीज़. स्टैटिस्टिक्स मतलब कि ओके, इतने इतने यूज़र्स है, ऐसा है, वैसा है. फिर एक हम लोग एक सर्च बार डाल सकते हैं जहाँ पर वो किसी अपने कॉन्टैक्ट को सर्च कर सकेगा, एंड उसके नीचे में द यूज़र विल हैव लिस्ट ऑफ ऑल its contacts, right? Then the user will have a button which will on जिसके ऊपर क्लिक करने पे क्या होगा कि एक नया पेज ओपन होगा, एंड उस पेज पे there will be a form to create a new user, right? तो इसीलिए यूज़र लेआउट में हमने क्या करना है? एक कंपोनेंट और बनाना है, right? सॉरी, यूज़र मॉड्यूल में हमने क्या करना है? एक कंपोनेंट और बनाना है, right? And we'll call it add contact component, right? So where am I? I am in contact project. So I'll go to src app user, right? And in this I'll generate a component, ng generate component, and I'll call it add contact. Right, so this g and c, these are short forms which you can use. Right, so G is for generate, C is for component. वैसे ही अगर module generate करना है तो you can always use ng, g, m and then name of your module. So what would this do? This would create an add contact component inside your user module. ठीक है, तो एक ऐड कॉन्टैक्ट नाम का कंपोनेंट जो है वो जनरेट हो गया, राइट? तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं. हाँ, वन मोर थिंग, ठीक है, तो आई एम इन कॉन्टैक्ट्स प्रोजेक्ट, आई विल गो इनटू एडमिन मॉड्यूल, राइट? इनसाइड दिस आई विल जनरेट अनदर कंपोनेंट कॉल्ड एज यूजर्स, राइट? अब ये यूजर्स का कंपोनेंट क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए बिकॉज एडमिन विल सी ऑल द यूजर्स, एडमिन शुड बी एबल टू सी ऑल द यूजर्स, राइट? उसके लिए चाहिए, राइट? देन एडमिन विल हैव वन मोर पेज विच विल बी यूजर डिटेल्स. जैसा कि लेट्स से 10 यूजर्स ने साइन अप किया है और हर यूजर ने अपने अपने कॉन्टैक्ट्स डाले हैं इसमें, राइट? तो एडमिन को क्या दिखेगा? वो यूजर्स, सारे यूजर्स दिखेंगे. फिर हर यूज़र का डिटेल पेज भी दिखना चाहिए. तो वो किसी एक यूज़र पे क्लिक करेगा तो इट विल टेक यू टू अनदर पेज विच विल बी वो यूज़र की डिटेल्स पेज, राइट? उस डिटेल्स में वो यूज़र का जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नेम, नंबर वगैरह वगैरह, वो सब रहेगा, राइट? एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल ऑल्सो हैव वो यूज़र के कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स है, ये भी उसमें दिखेगा,
राइट, तो एक यूजर्स हमने बना लिया और एक यूजर डिटेल कंपोनेंट भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कंपोनेंट बन जाएगा। राइट, नाउ लेट मी गो टू ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस। इसमें जो भी पाथ हमने दिया है, तो हमने क्या बोला है, बाय डिफॉल्ट हम लोग होम पेज पे जाते हैं, तो होम पेज जनरली जो वेबसाइट है वो रहेगी विच विल बी विजिबल टू ऑल। राइट, देन देर शुड बी अ बटन विच शुड गो टेक यू टू लॉग इन पेज, एंड देन इट शुड लॉग इन पेज में विल हैव अ बटन विच विल टेक अस टू साइन अप पेज, और साइन अप में से वापस तुम लॉग इन पर आ सकते हो। राइट, ये हमने बेसिक बटन वटन तो बना लिए। राइट, अब ये जो अपना एडमिन है, सॉरी लॉग इन है, ये लॉग इन में क्या रहेगा, लॉग इन में जनरली वॉट यू वुड बी हैविंग इज अ फॉर्म, वॉट यू वुड बी हैविंग इज अ फॉर्म। राइट, एंड इन दैट फॉर्म वॉट विल यू हैव, इन दैट फॉर्म यू विल हैव एक ईमेल का फील्ड, एक पासवर्ड का फील्ड और एक बटन कि लॉग इन। राइट, ऐसा वो फॉर्म रहेगा। वन मोर थिंग कि यूज़र लेआउट जो है उसमें हर यूज़र खुद की प्रोफाइल देख सकता है, खुद की प्रोफाइल इंफॉर्मेशन चेंज कर सकता है। राइट, सो व्हाट आई विल ऑल्सो डू इज आई विल ऑल्सो गो टू यूज़र मॉड्यूल, एंड इनसाइड यूज़र मॉड्यूल आई विल जनरेट अ कंपोनेंट एंड आई विल कॉल इट प्रोफाइल। तो ये प्रोफाइल में क्या रहने वाला है, ये प्रोफाइल में विल बी हैविंग, यानी ये पेज में क्या होगा, जो भी यूज़र लॉग इन करता है उसका खुद का प्रोफाइल, जैसा कोई भी हम लोग व्हाट्सएप में देखते हैं, तो व्हाट्सएप में वी हैव अ पेज विच डिस्प्लेज आर ओन प्रोफाइल। राइट, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज यू कैन चेंज दैट प्रोफाइल। तो प्रोफाइल एक लेटर से एक फॉर्म ही होगा जिसमें वो प्रोफाइल दिखेगा, एंड इफ़ यू एडिट एंड सेव तो वो जाकर डेटाबेस में सेव करेगा। राइट, ऐसा वो होगा प्रोफाइल जो है। ठीक है, राइट, अब नेक्स्ट थिंग इज कि यूजर मॉड्यूल में जाते हैं, दो कंपोनेंट्स ऐड हुए, एक ऐड कंपोनेंट ऐड कॉन्टैक्ट्स और एक प्रोफाइल कंपोनेंट। इनके लिए पहले तो पाथ बना देते हैं। पाथ कैसे बनाओगे, अगेन विल गिव पाथ and I'll say add contact and component, I'll say add contact component, ठीक है, then I'll have another route, that is another path, I'll call it profile and then component, I'll say profile component, ठीक है। इन द सेम वे आई विल गो टू माई एडमिन लेआउट, मीन्स एडमिन मॉड्यूल। एडमिन मॉड्यूल में हमने एक यूजर्स कंपोनेंट बनाया था, तो आई विल क्रिएट अ पाथ फॉर द सेम, आई विल से पाथ यूजर्स कंपोनेंट, आई विल से यूजर्स कंपोनेंट। राइट, देन आई विल हैव पाथ user details and I'll have component, I'll call it user details component, ठीक है। Now this particular path going forward is going to change, I'll tell you q and why। तो generally ये जो path है right user detail का, ये कैसे होगा कि एडमिन को क्या दिखेगा, एडमिन विल सी, जैसे ही एडमिन लॉग इन करेगा और वो यूज़र्स पे जाएगा तो उसे सब लिस्ट ऑफ यूज़र्स दिखेंगे, उसमें से किसी एक यूज़र पे वो क्लिक करेगा तो वो ये यूज़र डिटेल्स कंपोनेंट में जाना चाहिए, यानी ये पेज में जाना चाहिए, एंड इस पेज में वो पर्टिकुलर यूज़र के डिटेल्स उसने डिस्प्ले करवाने चाहिए। राइट, सो दिस पाथ आइडियली वुड बी लाइक दिस, विल से यूज़र्स स्लैश कोलन आईडी। Right, these are the path parameters which we would have, and this id it would correspond to the primary key of
that specific user in the user table, right? That is what it would correspond to, right? तो ये पाथ समझ लो ऐसा होगा, right? लेकिन अभी के लिए I am just keeping it user details. Going forward we will be changing this, right? यहाँ तक is it clear? ओके ग्रेट राइट. अभी तक हमने क्या किया है, हमने सिर्फ प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाया, यानी पेजेस वेजेस बनाए हैं समझ लो, राइट, आउटलाइन बनाया है. अभी तक हमने कंटेंट वाइज कुछ नहीं किया है, राइट. नाउ लेट अस स्लोली स्टार्ट बिल्डिंग द कंटेंट. लेट अस स्टार्ट विद द लॉगिन पेज, राइट. सो आई विल गो टू माय लॉगिन पेज, राइट. लॉगिन कहाँ है, ये रहा. Right, so inside this, what I'll do is, I'll import form group, comma form control from @angular/forms. Right, and to do this, I also, what I need is, reactive forms module ko import karna padta hai. Right, so in my app.module.ts, I have और आई विल बी इम्पोर्टिंग फॉर्म्स मॉड्यूल एंड रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, ऊपर ही कर देता हूँ. सो आई से इम्पोर्ट फॉर्म्स मॉड्यूल कॉमा रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल फ्रॉम @angular/forms. ये मैं कहाँ कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट इन app.module.ts. क्यों app.module.ts? बिकॉज आई एम यूजिंग द फॉर्म or this these reactive forms, where am I using them? I am using them in login component. Login component किसका part है, right? इसका ही part है, यानी app module का ही part है, right? And then I'll just add them in the imports array, right? This is what I have done, right? I'll again go to login.component.ts. Now in this I'll create a form. So I'll say login form equals to new form group. Inside this, right, I'll have first field as email. I'll say new form control, right. Then I'll have second field as password. Again I'll say new form control. ठीक है, तो ऐसा एक मेरा लॉगिन फॉर्म रहने वाला है, राइट. देन आई विल ऑल्सो हैव अ फंक्शन, आई विल कॉल इट लॉगिन. इन दिस फंक्शन फॉर नाउ आई एम जस्ट सेइंग console.log दिस डॉट लॉगिन फॉर्म डॉट वैल्यू अभी के लिए, राइट. आइडियली यहाँ क्या होना चाहिए, अ पोस्ट रिक्वेस्ट टू द सर्वर, यानी एक कोई तो सर्विस रहेगी, वो सर्विस का कोई तो फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे, राइट, विच विल एक लॉगिन रिक्वेस्ट जाएगी जिसमें ये लॉगिन फॉर्म डॉट वैल्यू जो है वो एज अ डेटा जाएगी, राइट. व्हाट आई शुड आल्सो डू इज, इफ लॉगिन इज सक्सेसफुल देन आई वुड से नेविगेट टू होम पेज, right, that is what I would do. So to navigate from here, what I need to do is, I simply need to say import router from @angular/router, right. Then I'll inject, so I would say private router colon router, right, and here I'll call this dot router dot navigate, and in my array, right, what will I pass? I would simply give the path. Now what is my path? My path would be user/home. Q user/home,
बिकॉज ये यूजर विल टेक अस टू लॉग इन मॉड्यूल, सॉरी यूजर मॉड्यूल, एंड होम विल बी द होम कंपोनेंट ऑफ यूजर मॉड्यूल, राइट। हमने जो ये ऐप मॉड्यूल में किया है, राइट, ऐप मॉड्यूल में इफ यू सी अपने राउट्स कैसे है, ये यूजर, तो यूजर अपने का यूजर लेआउट कंपोनेंट दिखाएगा एंड उसके अंदर में यूजर मॉड्यूल के पाथ्स आएंगे, तो यूजर स्लैश होम विल फाइनली टेक अस टू यूजर का होम कंपोनेंट, राइट, दैट इज व्हाट वी वुड डू, राइट। तो ये अपना ts फाइल में हुआ, नाउ वी विल गो इनटू माय html फाइल, राइट। इन आर html व्हाट आई विल डू इज आई विल हैव अ फॉर्म, सो आई से फॉर्म, या एक्शन वैक्शन हटा दो अभी के लिए, आई विल से फॉर्म ग्रुप इक्वल्स टू, राइट, एंड आई विल गिव लॉग इन फॉर्म। नाउ इनसाइड दिस I'll have, let's say, a div. Inside div, I'll have a label. Right? Ye label bhi simple hai, kuch nahi hai. Inside this, I'll say email. You can give a star, wo required field dikhane ke liye. Right? Then you'll have an input field. Right? Input type equals to text. And I would say form control name equals to email. Right, then I'll have another field which is for password. I'll call it password. Right, type will be password. ये type password देने से क्या होता है कि वो star लिख कर आता है. And form control name is password. Then after this, I'll have another div. Inside div, I'll have a button. Right, in which I'll say login. Right, and on the click of this button, what should it do? It should call our login function. That is what it should do. Now let us see how it is going. I remove this. Right, I click on login. So, कुछ तो issue आया है, नहीं आया है. I'll click on inspect ताकि अपने को दिखे. Cannot create property validator on string login form. कहाँ पर validator use किया है? अच्छा, वो type email होने की वजह से. You can also say comma validators. Anyways, let's see. I give a @ this dot form dot get is not a function. This form group should be like this, in square brackets. Abhi ye roega nahi. Okay. Right, so that is my mistake, I forgot. Form group jo aap use kar rahe ho, it should be in square brackets. Right, yeah, I guess you guys know this. Right, so I'll type something a@b.com, password something, something, something. Right, and I'll click on login. राइट, तो लॉगिन पे क्या हुआ? दो चीज़ें हुई. एक तो हमने जो कंसोल डॉट लॉग किया था वो हुआ, राइट, एंड दूसरा इट नेविगेटेड टू दिस पाथ विच इज यूजर स्लैश होम. आई विल गो बैक अगेन. राइट, नाउ देर इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर. व्हाट इज इट? कि लेट से मैं सिर्फ लॉगिन पे भी क्लिक करता हूँ तो ये ब्लैंक होके वो नेविगेट हो गया, राइट. दिस शुड नॉट हैपन, राइट. तो ये केस में क्या होना चाहिए? वी शुड वैलिडेट, राइट. सो वी शुड वैलिडेट. वैलिडेशन क्या है?
कि ये ईमेल जो है ये होना ही चाहिए, पासवर्ड जो है ये होना ही चाहिए, राइट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज कि ईमेल जो है वो ईमेल जैसा ही होना चाहिए। कुछ भी तुम ABC टाइप कर लोगे तो दिस इज नॉट एन ईमेल, राइट। ईमेल हैज़ अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। पासवर्ड ठीक है, यू कैन सेट सम वैलिडेशन और यू कैन नॉट, राइट, बट एटलीस्ट एक रिक्वायर्ड वाला वैलिडेशन हम लोग ये दोनों में डाल देते हैं, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। आई विल गो टू माई login.component.ts, राइट, एंड आई विल इम्पोर्ट फॉर्म ग्रुप फॉर्म कंट्रोल एंड वैलिडेटर्स फ्रॉम angular/forms, एंड यहाँ पे, राइट, द सेकेंड पैरामीटर टू दिस फॉर्म कंट्रोल का कंस्ट्रक्टर, राइट, इज एन एरे, राइट, वेयर आई से वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब कि दिस इज अ कंपल्सरी फील्ड, एंड सेकेंड इज आई से वैलिडेटर्स डॉट ईमेल। ईमेल का मतलब क्या कि इट शुड बी इन अ वैलिड ईमेल फॉर्मेट, राइट। ये जब तक नहीं है तब तक हम लोग इसको डिसेबल करके रखेंगे। आई विल टेल यू ये क्या करना है। एंड इन पासवर्ड फील्ड, राइट, विल अप्लाई दिस वैलिडेशन। आई विल से वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड कि पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, एंड आई विल से वैलिडेटर्स डॉट मिन लेंथ, राइट, एंड आई विल से 5 या 6 कि एटलीस्ट 6 लेंथ का आपका पासवर्ड जो है वो होना चाहिए, राइट। एंड आई विल गो टू माय HTML पेज, एंड ये जो मेरा बटन है लॉगिन बटन, इसमें व्हाट आई विल से, आई विल से डिसेबल्ड इक्वल्स टू, व्हाट इट मींस इज कि ये डिसेबल्ड, अगर आपका फॉर्म वैलिड नहीं है, राइट, तो ये डिसेबल रहना चाहिए। तो आप क्या करोगे, लॉगिन फॉर्म, राइट, डॉट इनवैलिड, मतलब क्या कि आपका लॉगिन फॉर्म अगर इनवैलिड है तो ये बटन जो है आपका डिसेबल्ड रहेगा, राइट। लेट्स सी, इट इज रीलोडिंग नाउ। इफ यू सी कि ये लॉगिन फॉर्म जो है ये इनवैलिड है, राइट। नाउ लेट्स पुट सम वैलिड वैल्यू। आई से a@b.com एंड पासवर्ड आई से 1 2 3 4 5 6, तो ये अपने आप एनेबल हो गया, राइट। इसको मैं 5 कर देता हूँ वापस, तो ये डिसेबल हो गया। 6 कर दिया, एनेबल हो गया। 6 मतलब 6 कैरेक्टर्स, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने वैलिडेशन ये डाला है कि इट शुड बी मिनिमम लेंथ शुड बी 6 कैरेक्टर्स। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये 6 कैरेक्टर्स है, राइट, लेकिन इंस्टेड ऑफ a@b.com एक तो मैंने कुछ भी नहीं डाला, तो अगेन इट इज़ डिसेबल्ड। वाई, बिकॉज हमने एक वैलिडेशन डाला है रिक्वायर्ड वाला। रिक्वायर्ड मतलब कि वहाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए, राइट। एंड एट टाइप a, कुछ नहीं होता, लेकिन a@b मैं बोलता हूँ, राइट, तो दिस इज़ अ वैलिड ईमेल फॉर्मेट, यानी ये ईमेल जैसा पैटर्न है, तो दिस विल बी एक्सेप्टेबल। एंड आई विल क्लिक ऑन लॉगिन, तो इट विल गो फॉरवर्ड, राइट। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग ये वैलिडेशन सेट करने में, इट इज कि आपने क्या करना है, हर फील्ड के नीचे में उसका करस्पॉन्डिंग जो भी है वो आपने लेना है। तो यहाँ पर आप क्या करो, हर फील्ड के नीचे में एक div ले लो और उसमें एक ngif लगा दो। ngif क्या करता है, कंडीशनल डिस्प्ले ऑफ एलिमेंट करता है, इट शोज यू कंडीशनल डिस्प्ले ऑफ एलिमेंट्स, राइट। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि आपका अगर ये फील्ड इनवैलिड है तो कोई ना कोई मैसेज आप यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हो, ईमेल इज रिक्वायर्ड एंड इनवैलिड फॉर्मेट, ऐसा एक मैसेज है जो अपन डिस्प्ले कराएंगे यहाँ पर। एंड ngif में व्हाट आई विल डू इज आई विल से लॉगिन फॉर्म डॉट कंट्रोल्स डॉट इनवैलिड, कि अगर सॉरी डॉट कंट्रोल्स डॉट ईमेल डॉट इनवैलिड। तो लॉग इन फॉर्म क्या है, ये आपका फॉर्म ग्रुप है, तो फॉर्म ग्रुप के अंदर में हमने फॉर्म कंट्रोल्स लिए हैं, दो फॉर्म कंट्रोल लिए हैं, एक हमने लिया है ईमेल, दूसरा हमने लिया है पासवर्ड।
तो पहला कंट्रोल क्या है, अपना ईमेल. सो व्हाट आई से इज लॉगिन फॉर्म डॉट कंट्रोल्स डॉट ईमेल डॉट इनवैलिड. राइट, तो ये एक एनजीएफ में लगा रहा हूँ कि अगर ये ईमेल इनवैलिड है तो ये मैसेज डिस्प्ले कराओ. दैट इज व्हाट इट वुड मीन. राइट, नाउ लेट अस सी. अभी ये कैसा बोल रहा है कि ईमेल इज रिक्वायर्ड एंड इज इन वैलिड फॉर्मेट. ये ऐसा मैसेज आया और जैसे ही मैं a@b टाइप करता हूँ तो वो ये चले गया. क्यों चले गया? एरर मैसेज, बिकॉज हमने ngif में डाला हुआ है कि अगर वो इनवैलिड है उसका वैलिडेशन तो आप ये मैसेज दिखाओ. राइट, इन दिस केस. नाउ इफ आई रिफ्रेश दिस पेज, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपको फॉर्म में, राइट, ये वैलिडेशन मैसेज पहले से दिख के आ रहा है. राइट, तो ऐसा नहीं रहता. जनरली कब रहता है कि आप टाइप करने को जाओ, राइट, यू टाइप समथिंग एंड इफ दैट इज रॉन्ग तब वो वैलिडेशन मैसेज दिखना चाहिए. तो उसके लिए व्हाट वी वुड डू इज, राइट, विल पुट इन कि एक ब्रैकेट में ऐसे लॉग इन फॉर्म डॉट कंट्रोल्स डॉट ईमेल डॉट टच्ड, not routed, it should be touched. तो या तो if it is touched or if it is dirty, right? ये कुछ तो basic angular के provided controls है, तो ज़्यादा इसका tension नहीं लेना. और if it is dirty, right? And if it is invalid, तो ही ये message display कराओ. Right? अब देखो, बाय डिफॉल्ट मैंने रिफ्रेश किया है तो बाय डिफॉल्ट यहां पर कुछ नहीं आ रहा. मैंने टच किया, कुछ नहीं हुआ. नाउ इफ आई टाइप ए, राइट, नाउ इट इज सेइंग दैट ईमेल इज रिक्वायर्ड एंड इन वैलिड फॉर्मेट. ये मैं हटा देता हूं तो भी वो रहेगा. क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड का वैलिडेशन है. एंड इफ आई से a@b.com वो चले गया. राइट, सो दिस इज हाउ इट इज वैलिडेशन. ये तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो इन द सेम वे. Right, I'll copy this and I'll put it for password. And instead of email, I'll say password. यहाँ पर messages password is required. Again, instead of email, password. Again, instead of email, password. राइट, अब अगर मैं पासवर्ड पे एक कुछ तो डालता हूं तो वो बोलता है पासवर्ड इज रिक्वायर्ड एंड शुड नॉट बी लेस देन 6 characters. नाउ इफ आई क्लिक ए तो वो इशू दे रहा है 2, 3, 4, 5, 6 चले गया. राइट, सो दैट इज हाउ यू अप्लाई वैलिडेशंस. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये लॉग इन कंपोनेंट डॉट html में है, हम उसके css में जाते हैं. राइट, एंड आई क्रिएट ए क्लास, आई कॉल इट से फील्ड एरर. राइट, एंड इन फील्ड एरर व्हाट आई से इज कलर एंड आई गिव रेड. And next what I do is, in my HTML, right, I apply this class to my this p text. So I say class equals to field error. Again, यहाँ पे भी I say class equals to field error. Now if I type a, तो क्या हुआ? वो रेड कलर में आ गया. तो जनरली ये एक ऐसे टाइप का होता है. नाउ यू कैन अप्लाई हेल लॉट ऑफ CSS इन दिस एंड मेक इट लुक एक्सेलेंट एंड वेरी मच यूजेबल, लेकिन फंक्शनैलिटी वाइज दिस थिंग इज इनफ फॉर अ लॉगिन पेज. राइट, नाउ व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज कि वंस आपका ये लॉगिन पेज हो गया तो व्हेन यू गो टू दिस साइन अप पेज, तो साइन अप पेज में भी आपने एक फॉर्म बनाना है. राइट, दिस फॉर्म
right? It will contain three fields, right? One should be email, one should be password, one should be confirm password, right? Then उसके साथ में it should have a name and it can have a mobile number, right? ऐसे चार पांच fields उसमें डालेंगे. मैं fields आप लोगों को message कर दूंगा कौन कौन सी fields होनी चाहिए, right? लेकिन anyways, message के बदले I would say email, sorry, name, then mobile number, then email, then password and then confirm password. ये पांच fields उसमें होनी चाहिए, right? I'll stop the recording now.